खरीदवा दें लोगों को और फिर हम ठग लें हम एक वो कर दें कि कंपनी से मांगो ना पैसा हमसे क्यों मांग रहे हो ये तो कंपनी ने किया है बट एक्चुअली में उसमें नॉर्म्स बनाने वाले तो वो लोग भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट उनका होता है तो एक तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया कंपनीज का कि कौन सी कंपनी इनके जो भी इस हेड के अंदर आएगी उसको वाइंडिंग अप के दौरान वो चीज़ करनी पड़ेगी और अगर वो नहीं करेंगे तो उनके ऊपर पेनल्टी चार्ज करी जा सकती है देख वी कैन सी यू तो तीन टाइप की हैं ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड कंपनी अगर हम बात करें कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स की तो इसका मतलब होता है कि जो भी मेंबर्स हैं कंपनी के उनकी जो लाइबिलिटी है यानी कि जो भी उनपे एक तरीके लाइबिलिटी को हम लेते हैं जो भी उनपे कर्ज चढ़ावा है उसको उनको किस चीज़ को फुलफिल करना है वाइंडिंग अप के दौरान वो सिर्फ जितने भी शेयर्स उन्होंने हेल्ड करे हुए होंगे वो सिर्फ़ उसको पे करेंगे लाइक like, अगर जैसे एक मेंबर ने बोला कि मैं फिफ्टी शेयर्स का वो लेता हूँ मैं फिफ्टी शेयर्स की अमाउंट पे पे कर सकता हूँ तो वो सिर्फ उतना ही करेंगे फिफ्टी 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 ऐसे ईच बंदा ले लेगा और वो उस उसी चीज़ के लिए लाइबल होंगे ठीक है ये सब कुछ ऑलरेडी एमओ में हमारे लिखा हुआ होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऑलरेडी मैंशनड होता है और ऐसी कंपनीज ज़्यादातर कंपनीज़ लिमिटेड बाय शेयर्स ही होती हैं दिस इज़ ऑल रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट टू ओ थर्टीन अब आती है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी तो जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है उसमें क्या होता है मेंबर्स एक तरीके की ऐसे गारंटी लेते हैं कि दिस सर्टेन अमाउंट या कोई भी सर्टेन एसेट हम उसको पे करेंगे ठीक है तो जैसे कि इधर लिखा है कंपनीज़ एक्ट टू थर्टीन अ कंपनी जो भी उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया जो भी एसिट्स हैं या फिर जो भी वो जितनी भी अमाउंट को गारंटी करते हैं कि ड्योरिंग अप में टू लाख रुपीज एजी बोलता हूँ तो वो उनको देनी पड़ेगी सम्भाव अनलिमिटेड कंपनी की अगर बात करें तो इसका मतलब होता है कि जो मेंबर्स हैं उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है कोई लिमिट नहीं है यहाँ पे क्या लिमिट थी शेयर्स तक की लिमिट थी यहाँ सर्टेन गारंटी की लिमिट थी मे बी वो एसेट हो या मे बी वो मॉनेटरी टर्म्स में हो लेकिन यहाँ जो है यहाँ अनलिमिटेड लाइबिलिटी है यानी कि जो भी उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है जो भी उनका पर्सनल वो है उसको भी वो जैसे भी करें उनको डेट्स जो हैं कंपनी को पे करने ही हैं चाहे उनको अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी बेच के उसको करना पड़े ठीक है तो ये चीज़ ओवर इट्स रिटर्न की कंपनीज एक्ट टू थर्टीन इट इज़ अ कंपनी इन विच द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज अनलिमिटेड मेंबर्स की लाइबिलिटी क्या है अनलिमिटेड है देर इज नो लिमिट तो ये तीन टाइप की होती हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी